सरना धर्म कोड लागू होने के क्या फायदे हैं। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, अमिताभ एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सरना धर्म कोड लागू होने के क्या फायदे हैं। सबसे पहले जानेंगे सरना सरना धर्म के सार क्या है। प्राकृतिक पूजा जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सरना धर्म के मानने लोग जो है वो प्राकृतिक की पूजा करते हैं, जल जंगल जमीन को पूजते हैं। उनके लिए ईश्वर भगवान देव देवता जो है वो जंगल यानी कि जितने भी पेड़ पौधे पशु पक्षी वो सब को पूजते हैं और जमीन और जल। सरना धर्म को पालन करने वाली जनजाति प्रमुख जनजातियां जो सरना धर्म को आज भी मानते आ रहे हैं, संथाल जो इंडिया में 30.48%, उरा 21.35%, हो 17.87%, मुंडा 12.48%, भूमिज 1.72%, लोहरा 1.70%, महली 1.07%, खड़िया 0.87%, बेडिया 0.64%। ये प्रमुख जातियां हैं जो सरना धर्म को आज भी मानते आ रहे हैं। अब सरना धर्म कोड लागू होने के क्या फायदे हैं? अगर सरना धर्म कोड लागू हो गया तो मूल निवासी का विकास होगा यानी कि आदिवासी का विकास होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आदिवासी का विकास कैसे होगा, मूल निवासी का विकास कैसे होगा। सरना धर्म कोड लागू होने से हमें यह पता चलेगा कि सरना धर्म को मानने वाले लोग कितने हैं। सरकारी नौकरियां में सरना धर्म के लिए कॉलम छोड़ा जाएगा, जनगणना जब की जाएगी तो वहां पता चले वहां भी एक कॉलम होगा जिसमें हम ये दर्शा सकते हैं कि हम सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं। सरना धर्म के मानने वाले लोगों का सरकारी नौकरियों में विकास होगा जो आज तक विकास नहीं हुआ है। कुछ हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे नेता हैं जो हमें लूटते आ रहे हैं बराबर। आगे अगर हम बात करते हैं सरकारी नौकरी, तो सरना धर्म कोड लागू हो जाने से सरकारी नौकरियों में सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा सरना धर्म के मानने वाले लोगों। मूल अधिकारों का रक्षा, आपके जो मौलिक अधिकार है उसका रक्षा होगा और ये आपका अधिकार है। जब आपसे कोई जो लोग आपसे अगर कोई पूछता है कि आपका मौलिक अधिकार या आप जिसको मान रहे हैं ईश्वर और उसको वो हनन कर रहा है, उसके ऊपर जो है कमेंट कर रहा है, उसे आपको मानने से रोक रहा है, बोलता है कि आप हिंदू बन जाओ या आप मुस्लिम धर्म को मना लो, मान लो क्रिश्चियन बन जाओ, ये आपको रोकता है, आपको जबरदस्ती करता है, तो आप आर्टिकल 13 यानी कि संविधान में आपके मौलिक अधिकारों का रक्षा जो है वो आर्टिकल 13 यानी कि अनुच्छेद 13 करता है। आपका मौलिक अधिकारों को हनन होने से बचाने का काम जो है आर्टिकल 13 करता है। इसमें पूरा अधिकार है और आप इस आपके मौलिक अधिकारों को बताएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी प्रकार से आपका मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है, आपके ऊपर अत्याचार करता है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं और अपने अधिकारों को वापस ले सकते हैं, हनन होने से बचा सकते हैं। अब देखिए थोड़ी सी बात आपको और समझनी होगी कि हमारा विकास, क्योंकि हम जब तक पढ़ेंगे नहीं शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम अपने अधिकारों को समझ नहीं पाएंगे। अगर हम शिक्षित होते हैं तो हमें अपने अधिकारों के बारे में क्या होता है जानकारी प्राप्त होती है, और अगर जानकारी प्राप्त होगी तो हम आसानी से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला काम है अपने अधिकारों को जानने के लिए जो है आपको पढ़ना होगा, शिक्षित होना होगा। और देखिए बहुत मतलब सर की बात है कि हमारे बीच के नेता जो हमारे वोटों से जीतते हैं लेकिन फिर भी वो हमारे बारे में नहीं सोचते। तो हमेशा याद रखिए जो देश का और जो आपके बारे में ना सोचे आप उसे कभी जो है
वोट मत दीजिए, ठीक है। जो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ता, आपके अधिकारों के लिए जो लड़ता हो उसको जिताइए, उसको बैठाइए राजगद्दी में, ताकि वो आपके अधिकारों का लड़ाई लड़ सके। हमारी जनसंख्या यहां अधिक होने के बावजूद भी जो है हम अपने अधिकारों का रक्षा नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोग अशिक्षित हैं, ठीक है, हम लोग शिक्षित नहीं है। अगर हम लोग शिक्षित हो जाएंगे तो हम लोग अपने अधिकारों का लड़ाई करेंगे। तो सरना धर्म को लागू होने से हमारे आदिवासी समाज का सबसे ज्यादा विकास होगा, और इसलिए इस बार जो सरकार जब आप चुनते हैं तो उनसे वादा लीजिए कि आप सरना धर्म को लागू करेंगे। बाकी आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप कमेंट में लिख के हमें बताइएगा कि सरना धर्म को लागू होना चाहिए या नहीं। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।